ओसामा साहब और गोलू सिंह पर जाएगा। अपने आवेदन में लिखा है जी, लिखा है मैंने ये बात। अब भाई अपनी जान की सुरक्षा लगाऊंगा, अगर मैं सब बताना चाहता हूं, अगर कोई भी मोहम्मद मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा उस पर लिख के रख लीजिएगा, उस पर गोलियां चलेंगी और उस पर उसकी हत्या कि मैं चुनाव नहीं, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सिर्फ एक मोहम्मद की बात नहीं है, ये सारे मोहम्मद की बात मैं नहीं जानता हूँ। मेरा जान पे आया हुआ है, अगर कोई माई का लाल है तो वो बोल के देखा उस परिवार के बारे में, अगर नहीं उसका बेड़ा गर्क हो गया। जो कभी भेंट मुलाकात कोई चीज़ मतलब उससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए सिवान में रहना है तो पिछलग्गू बन के रहिए, नहीं तो सिवान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको 3 उन्होंने कहा उसको, वो कहा कि आरिफ जमाल को भी हत्या मैं नहीं करवाया, आरिफ जमाल की हत्या भी मैं नहीं करवाया। बस ये है कि हमारे पास फ़ोन आया 25 तारीख को, और मैं अपने घर बैठा था, फ़ोन आया और मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया जिसका नाम है गोलू सिंह, जो बिहार सरकार के तरफ से 2 लाख का इनामी है, और उसने बहुत ही भारी लफ्ज़े में सीधे मुझे मर्डर करने का, मार देने का धमकी दिया और लगातार यही बात बोल रहा था। तो मैंने पूछा उसे, भाई मसला क्या है, क्या परेशानी, मैं तुमको तो जानता भी नहीं हूँ और ना मैं तुमको किसी से कभी भेंट मुलाकात कोई चीज़ मतलब उससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए सिवान में रहना है तो पिछलग्गू बन के रहिए, नहीं तो सिवान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको 3 दिन में हम तो आपकी हत्या हो जाएगी। तुम्हारी तो भद्दी भद्दी गालियाँ भी दिया, उल्टा सीधा बोल रहा था, लैंग्वेज रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, और उसने ये भी कहा कि सिवान में सिर्फ एक ही रहेगा मुसलमानों में नेता, बाकी कोई नहीं रहेगा, रहना है तो पिछलग्गू बन के रहेगा। और अपनी वो कामयाबी गिना रहा था, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा कि मैंने रईस खान को गोली चलवाया, उनको मारा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो कहा कि आरिफ जमाल को भी हत्या मैं नहीं करवाया, आरिफ जमाल की हत्या भी मैं नहीं करवाया। तो ये सब चीज़ें लगातार ये दोहराती है कि भाई एक समाज के लोगों पे गोली चलना, एक समाज के लोगों को रोकना, ये साफ दर्शाता है कि ये एक तनाशाह की राजनीति हो रही है सिवान में। और मैं ये सोच रहा था कि जिस परिवार से मैं इतना दिनों से मैं रहा, इतना दिनों से किया, मैंने क्या क्या किया सावधिन साहब ने सब जब थे, और उसके बाद से इस तरीके का मैं मेरे साथ मेरी हत्या का कराने की योजना बन गई, मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही भयभीत होना का पड़ रहा है कि हमारे जैसे लोग का ये हाल है तो आम लोगों का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। और इसी कारण से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया है कि जिस परिवार की वजह से मैं परिवार को 20 साल पहले से हमारे दादा बाबा सब लोग रहे, सब परिवार हमारे परिवार के संरक्षण भी दिए, हमारे बाप दादा ने संरक्षण भी दिया सावधिन सको, उस परिवार के जो गुर्गे हैं उस गुर्गे का इस तरीके का धमकी देना, और एक हमें साइलेंस साफ तौर पे चैलेंज करके बोलना कि भाई आप सिवान छोड़ दीजिए, क्या आज़ादी नहीं है किसी को चुनाव लड़ने का, और हिंदू समाज में इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो उनमें कोई रोष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, सब एक दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान में कोई कड़ी में कोई आदमी जुटता है तो लोग उसके पीछे लग जाता है, बीजेपी के दलाल बीजेपी ये सब हरवाने का, उसके बाद उसको मरवाने का। तो ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 15 साल 20 साल पहले से है, जब कमरुल हक चुनाव लड़े थे उनका भी अपहरण हुआ था, आपने देखा होगा सिवान में बहुत विद्रोह हुआ था, अपहरण हुआ, उनके पैर में गोली भी मारी गई। फिर उसके बाद रईस खान लड़े, रईस खान की भी क्या गुनाह थी, MLC का चुनाव लड़े, 2 नंबर पे थे वो, उनके बाद भी उनके 47 से गोली चली, एक आदमी का मृत्यु भी हुआ। फिर दूसरा हुआ कि आरिफ जमाल पे एक चौमीन एक शरीफ आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं उसकी भी हत्या हुई है, फिर अचानक से हमको धमकी देना और फिर हमको डायरेक्टली जान से मारना, सिवान छोड़ने की धमकी देना। तो ये सारे चीज़ जो हो रही है एक ही तरफ से हो रही है, एक ही लोग कर रहा है। और मैं सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए मैं इस इश्यू करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए,
जिस तरीके से लोगों ने ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि सिवान किस ओर जा रहा है, सिवान गुलामी की तरफ जा रहा है, सिवान मजबूत नहीं मजबूर की तरफ जा रहा है, और ये सरासर एक ही चीज़ में जब एक ही चीज़ में कराया, तब से ये प्रोग्राम कराया जब मैंने सम्मान समारोह कराया, उसके बाद से ये फिज़ा बदल गई, लोगों के आँखों में मैं गड़ने लगा और लोग मुझे जो यहाँ के नेता बनते हैं, मुसलमान के रहनुमा बनते हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम को भी फ्लप करने के लिए चारों बगल फ़ोन करके लोगों को मना भी किया, फिर भी लेकिन अचानक से मैं फ़ोन आया, फिर हमको जान से, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसको क्या पड़ी है कि हमको गोलू सिंह आखिर कौन है, ये गोलू सिंह ये एक अपराधी है और ये गुर्ग है, शार्प शूटर है, और इसके लिए काम करता है, अपराधी तो है। हाँ, ये काम किसके लिए करता है ये सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और मैंने आवेदन में लिख के दिया भी है कि हम अगर ये हत्या जी FIR हो चुकी है, FIR का आवेदन मैंने माननीय थाना प्रभारी साहब को दिया है, उस FIR में साफ तौर पे भी लिख भी दिया मैंने कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका सीधा दोष ओसामा साहब और गोलू सिंह पर जाएगा। अपने आवेदन में लिखा है जी, लिखा है मैंने ये बात। अब भाई अपनी जान की सुरक्षा लगाऊंगा, अगर मैं सब पूरे सिवान के लोग जानते हैं, उतने बड़े हस्ती रईस खान पे 47 चलता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। लेकिन आपको धमकी देने के पीछे क्या मकसद? धमकी देने के पीछे अच्छा एक बात बताइए मुझे, खान का भी जिक्र आपने किया। हाँ, अयूब खान के भी, उसने कहा कि मैं उसको भी मारूंगा, मैंने जिक्र नहीं कहा, उसने कहा कि बोला कि मैं जितने भी मुसलमान लीडर या तो पीछे हो जाए, पिछलग्गू हो जाए, अगर नहीं तो मैं उनका हत्या कर दूंगा। सोशल मीडिया जब आप मैसेज दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसी ये लड़ाने की, देखिए ये सब, देखिए जो लोग इस तरीके की उनके अंदर जो गुलामी भरी हुई है, उनके अंदर वो मानसिकता नहीं, इंसानियत ही नहीं है, अल्लाह से उनको डर ही नहीं है, तो वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उसका हमको फिक्र नहीं है। अच्छा, मेरी अपनी जान माल की फिक्र होनी चाहिए। किसकी गुलामी की बात कर रहे हैं? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? जो लोग ऐसी गुलामी कर रहे हैं जिनको हक बात कहने में डर लगता है, रईस खान पे गोली चली, रईस खान पे कौन सा गोली चला दे किसी परिवार पे, किसी पे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ना गलत है? आप हमको बता दीजिए, मुसलमान चुनाव नहीं लड़े सिवान में, तो ये खुल के बोल सकता है उस परिवार की, भाई आप सिवान में मुसलमान चुनाव मत लड़े, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। किससे आपको खतरा है? किससे खतरा है? मैंने आवेदन में क्या कहा है? अभी आप क्या सुन रहे थे? आवेदन मैंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है उसका सीधा दोष ओसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। एक ही नाम ओसामा है, 47 पे भी नाम आया था ओसामा, इस परिचय का मोहताज नहीं ना है ओसामा, हीना मैडम के लड़के ओसामा। ये नाम आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक समय था कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व जो सांसद सबसे करीबी रहे, फिर ओसामा पे नाम दे रहे, आखिर ये पारिवारिक रिश्ता था आपका, ये आप बहुत, ये तो हमें भी दुख है उस परिवार को मैंने सम्मान दिया, उस परिवार से जुड़े हमारे बाप दादा जुड़े थे, उस परिवार से मैंने क्या क्या नहीं किया, उनके परिवार की वजह से CBI केस लगी, मेरे घर टूटे, मेरे घर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, जब STF SIT की छापा हुई मैं इधर से उतार रहा था, मेरी हाथ टूट गई, उसके बाद मैं तो यही तो शब्द हूँ कि ये सब करने के बावजूद और मैंने सम्मान समा कराया, मैं आँख में चूमने लगा, अब उनके जहन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के कभी आपने हेना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क, मैं क्यों करूंगा मैं सावरीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा, उन्होंने सही फैसला करते थे, ऐसा सावरीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो हत्याओं का साजिश, आरिफ जमाल की क्या दोस्त थी? आरिफ जमाल का तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ खुला फंडिंग से आप चुनाव लड़ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि आप किसी के मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है कि जब मुसलमान लड़ता है तो कुछ ना कुछ उस पर दोष आने लगते हैं, कभी वो BJP हो जाता है, कभी किसी का दलाल हो जाता है, किसी का 50 लाख रुपये होता है। अभी बताइए, अपनी बात को मैं नहीं रखूं, अपनी बात को वो खुल के कहे कि मैं चुनाव नहीं, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़े, ये सिर्फ एक मोहम्मद की बात नहीं है, ये सारे मोहम्मद की बात है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर कोई भी मोहम्मद मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा उस पर लिख के रख लीजिएगा, उस पर गोलियां चलेंगी और उस पर उसकी हत्या करने की प्रयास होगी, ये आप लिख के रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके आपने आवेदन दिया, उस आवेदन का क्या हुआ, मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल मामला दर्ज हुआ, आप जाके थाना सिवान नगर टाउन में पूछ सकते हैं। अब आप क्या करेंगे?
अब मैं कहूंगा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अकेले जाता हूं स्टेडियम में क्रिकेट सिखाने। भाई बात साफ सुथरा सुन लीजिए, और हत्या का जो ये साजिश हो रहा है, मतलब ये हत्या की राजनीति हो रहा है कि कोई मुसलमान ना बढ़े, और जो ऐसे कह रहे हैं कि ये फलाना चिलाना जो भी बातें, मैं उन बातों को मैं नहीं जानता हूँ। मेरा जान पे आया हुआ है, अगर कोई माई का लाल है तो वो बोले, बोल के देखा उस परिवार के बारे में, अगर नहीं उसका बेड़ा गर्क हो गया तो जो कहेंगे सो। आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है कुछ? प्रशासन से मैंने सुरक्षा के मांग की है, मैंने DGP साहब को आज मेल करूंगा, जितने वरीय अधिकारी हैं सबको मैं उनको अवगत कराऊंगा इस घटना के बारे में। क्योंकि आपको 3 दिन का टाइम दिया था, डायरेक्टली फोन किया है उसामा के, डायरेक्टली आपको कभी धमकी दिया है कि उसामा का आप नाम ला रहे हैं? जब इतने सारे गुर्ग रहने तो जरूरत ही क्या किसी को डायरेक्ट फोन करने का। अगर मैं, मुझे जो अपराधी जो हमको फोन किया है उससे मेरी क्या लेना देना है, वो कौन पॉलिटिशियन है? उसामा का क्या नाम लिया था वो? उसामा उसने का जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसने खुद कह रहा है कि सिवान में एक ही मुसलमान नेता है, तो आप समझिए मुझे ज्यादा इस बारे में डार्क नहीं जाना है। नेता नहीं है उसामा की मां नेता है ना साहब नेता है जो चुनाव। आप जिस तरह के इस बात को सोच सकते हैं, मैं जो जो, जो बात रखना था मैंने आवेदन, सब लोग उसामा को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरिफ जमाल के भी चीजें हो, कमरुल हक में हो, रईस खान में हो, जिमी के जमीन में, जमीन वाली चीज में गोलीबारी हुई, मोतिहारी में, मतलब सब कुछ है, ये सब चीज एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है क्या? आपको लग रहा है? और अगर इसका मतलब है कि कानून गलत काम कर रहा है इसीलिए उनको जेल भेजा था। कैब जी, फोन करने वाले ने आपको 3 दिन का टाइम दिया था और आज 3 दिन पूरा हो रहा है और अभी तक कोई सुरक्षा आपको नहीं मिला, इसको लेके कुछ सवाल? मुझे अल्लाह की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे पास तो 47 गोली बंदूक वाला तो है नहीं, मैं हत्यारा हूँ नहीं, ना मैं किसी का मर्डर कराने वाला हूँ। लेकिन प्रशासन और सिवान के नए SP जो आए हैं ना, मुझे बहुत भरोसा है इन SP पे, क्योंकि ये SP साहब जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करेंगे, हम युवाओं के मुसलमानों की सुरक्षा की बात करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सारी मीडिया कर्मी से, और मेरी ये बात को गौर कीजिएगा, आपने देखा होगा सिवान गिलास पे आए गोलीबारी हुई, धनु जी पे गोलीबारी हुई, तौकीर जी पे गोलीबारी हुई, आरिफ जमाल पे हत्या हुई, क्या 2-2.5 साल पहले इतना मुसलमानों पे जुल्म आपने कभी देखा है तो बता दीजिए? क्या ये ढोंग है? अगर ये ढोंग है तो आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि इंसानियत कहाँ है। मैं बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एकदम, जान लीजिए कि अगर मुझे कुरान पे भी हाथ रखना पड़े इन सच को बोलने के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक आना भी झूठ बोलने की कोशिश, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लोग डरा सहमा है, और जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, एक काफिले पे इतनी बड़ी 47 से गोली चल रही है और मैं अकेला घूमता हूँ, इस वजह से मैं ये PC प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ स्मारक बनती है उसके बाद। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि आप जितनी भी घटनाएं आपने गिना दिया तो इन घटनाओं के पीछे आप जो जिनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो ये चीजें सबूत आपके पास है, प्रशासन इसके ऊपर क्यों नहीं हाथ उठा रही अभी तक? अब प्रशासन क्यों नहीं हाथ उठा रही है वो प्रशासन जाने, या प्रशासन लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है, क्या मजबूरी है क्या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और प्रशासन जैसे आदमी को अगर मजबूरी हो तो आम आदमी का क्या हो? अरे गंभीर मामले आपने गिनाए, एकदम गंभीर मामला है ही है, बिना गंभीर मामला का मैं गिनाता ही नहीं हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। देखिएगा आप मीडिया कर्मी आरिफ जमाल को आप लोग खुल के क्यों नहीं बताया? क्यों आप लोग भी डरते होंगे ना, इसीलिए तो आप लोग भी नहीं बता पाए कि आखिर मीडिया कर्मी जितने लोग हैं कि आरिफ जमाल की आखिर हत्या किसने कराई? 2 तो अपराधी पकड़े गए लेकिन अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं इस चीज को सवाल उठाया? आप लोगों ने आपने उजागर क्यों नहीं कि आरिफ जमाल की हत्यारा कौन है? कैसे उजागर करते? क्यों नहीं करेगा कि आप उनके नहीं नहीं आपका भी आप देखिए चौथे स्तंभ है, आप अपने बातों से अपने कामों से हटिए मत। मीडिया पे अंकुश लगाने से पहले बंटी जी एक चीज मैं बता रहा हूँ, नहीं बोलिए आपका सवाल, आप कह रहे हैं मीडिया सवाल पूछेगी, सवाल पूछना जानती है मीडिया। मीडिया ने सवाल पूछा उन पदाधिकारियों से आखिर कौन है इसका हत्यारा गोली मारने वाला,
क्या है आपका बताइए, पदाधिकारी खुलासा तो करे नाम का, तो ये जांच हो रही है, जांच हो रही है। आप अच्छा पुलिस पुलिस के सामने आपकी बात नहीं आ पाएगी क्योंकि आप दबाव नहीं बना सकते हैं। दबाव किस तरह का दबाव क्यों नहीं बना सकते आप मीडिया में लिखी है कि इसका खुलासा कब होगा, इसके षड्यंत्र कौन है, आखिर ये चौमिन बेचने वाले की हत्या क्यों हुई। पंडित जी मीडिया एक माध्यम है और आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, आप उसको माध्यम मत बनाइए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी ताकत क्या है? राजदेव हत्याकांड क्यों हुई आप बताइए हमको, राज्य हत्याकांड क्यों हुई? एक पत्र उसमें मेरा नाम था, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया था। किसके वजह से नाम आया था? मेरे अब्बा के वजह से नाम आया था, सावरीन साहब के वजह से नाम आया था, क्योंकि मैं उनके साथ था इसलिए आया था। आपके उसे मेरे फादर के नाम से नहीं आया था। और देखिए हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा था, तो हमने क्लीन चिट दिया सीबीआई वालों ने, क्लीन चिट मैंने लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है। चला ना फिर मीडिया ही ने दिलाया कि आपको क्लीन चिट मिला है, क्लीन चिट दिलाया मीडिया ने, किसने दिखाया कि मीडिया तो मेरे घर तोड़ने वाला दिखा रहा था, जब क्लीन चिट मिली उसके बाद ना दिखाया। तो आप भी मेरा इस चीज को मेरी मजबूती दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, तो मेरे मदद कीजिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। आप काफी सक्रिय हैं और आप कहते हैं मजबूर नहीं मजबूत बनो, ऐसे में जब आपको धमकी मिल गई है पॉलिटिकल धमकी कि आप राजनीति न करें, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या राजनीति में पीछे जाएंगे या फिर ऐसे ही मजबूती के साथ राजनीति? देखिए मैं मेरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं उस चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादातर मैं अग्रेसिव हूँ। घर वाले तो डर समय रहेंगे ही, जिस तरह की घटना भी घटी है, हर जगह घटना जो घट रही है, तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा, मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। शुक्रिया।